नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। चंदौली जिले को बने हुए लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो विकास और कार्यों के साथ ही समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं के लाभ में पीछे चल रहा है। सितंबर महीने में IGRS निस्तारण में चंदौली जिला पूरे प्रदेश में टॉप 10 में अपना जगह बनाया पाया है और पूरे प्रदेश की सूची में 10वां स्थान पाने पर जिला अधिकारी ने बताया है कि ये उपलब्धि पूरे टीम की है और आने वाले समय में जल्द ही जिला पूरे प्रदेश पहला स्थान हासिल करेगा और इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है और गुणवत्तापूर्वक IGRS की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी खुद कर रहे हैं। जिला चंदौली ने सितंबर 2022 की IGRS रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है। ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है और आगे भी हमारा इसी तरह से प्रयास जारी रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट पोजीशन पे आएं और समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। सभी जन समस्याओं का, सभी जन शिकायतों का IGRS की भी हम प्रतिदिन समीक्षा करते हैं, कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों का डिस्पोजल हुआ और क्वालिटी डिस्पोजल पर फोकस करते हैं। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां तरेया सुजान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताते चलें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में महिला समेत 7 सदस्य शामिल थे, जो बड़े शातिर तरीके से बंद पड़े दुकान और मकान की रेकी करते और ताला तोड़कर सेंध लगाने में माहिर थे। ये गिरोह जेवर, कपड़े, बर्तन, फोन आदि जो भी सामान मिल जाते उनको लेकर फरार हो जाते थे और इस गिरोह के क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे। ये कई घरों को निशाना भी बना चुके थे और कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की थी। आपको बता दें कि घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने गिरोह की तलाश शुरू की थी, जिसके बाद गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं गिरोह के पास से 1,09,000 नगद और जेवर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरोह के सदस्य को जेल भेज। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना तरिया सुजान, थाना तमकुही राज, स्वाट टीम और साइबर टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय चोरों के एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं। इन लोगों के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के अंतर्गत विभिन्न थानों में चोरी की घटनाएं कार्य की गई थी। इनके पास से करीब 1,00,000 रुपए बरामद किए गए। खबर महाराजगंज से है, जहां पुलिस ने नौनवा की ही फ्लिपकार्ट गोदाम पर भीषण चोरी की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि फ्लिपकार्ट गोदाम को चोरी हुई है और जिसके बाद से मौके पर पहुंचे नौनवा क्षेत्र अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम ने साथ साथ SOG की टीम ने जांच पड़ताल किया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। ये आज 10 तारीख को ये थाना नतनवा में कस्बा अंतर्गत ये बाईपास पे जो फ्लिपकार्ट का एक क्लस्टर हाउस है, गोदाम है, जहाँ पे ताला तोड़ के चोरी हुई है। इसकी सूचना हमें पुलिस को लगभग 8 बजे सुबह मिली, जहाँ पे तत्काल पुलिस पहुँची। पुलिस के साथ स्वाट टीम हमारी लगी हुई है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया, जिसके आधार पर ट्रेस करने का, हम लोग चोरों को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कोटद्वार नगर निगम के हरिद्वार पर पड़ने वाली मालन नदी में एक अधेड़ आदमी का शव मिला है। नदी में पड़ा होने की खबर स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही, कोतवाली स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कोतवाल के अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया और कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार अधेड़ व्यक्ति की पहचान राकेश पाल, उम्र 56 वर्ष के रूप में हुई है, जिनको दुर्गापुरी के उमराव नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बेमौसमी मूसलाधार बारिश ने यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और इस बेमौसम बरसात ने विजयदशमी के पर्व पर होने वाली शादियों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। रास्ते और सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वहीं नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं और इसके चलते ही बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में ही दुबके हुए नजर आ रहे हैं और दुकानों में बिक्री ना हो पाने के कारण दुकानदारों के चेहरे भी लटके हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यहां के पहाड़ी काश्तकारों को उठानी पड़ रही है। उनकी नकदी फसलें राजमा, आलू आदि जो है सामान, वो बड़ी मात्रा में खेतों में सड़ने के कगार पर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी ओर ही काश्तकारों के पालतू पशुओं के लिए भी इस सर्दियों के समय में घास और चारा पत्ती की समस्या हो गई है। बताते चले कि यहाँ के काश्तकार आजकल खेतों की फसलों की घास, जंगलों की घास को अपने मवेशियों के लिए सर्दियों और बर्फबारी के दौरान के लिए संभाल कर रखते हैं और लेकिन अब
हो रही बेमौसम बारिश को लेकर भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं और वहीं पर यहां पर फसलें भी नुकसान होती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। चार दिनों से हो रही बारिश के जहां पर तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। अभी भी आसमान में बादल बंधे हुए हैं और फिलहाल बारिश के थमने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सोमवार को शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के दौरान करीब 1500 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सोमवार सुबह से ही शुरू हो गई थी। पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी के बावजूद संगतों में ही मन की श्रद्धा और उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी गई। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा यात्रा को सुखदमय ढंग से संपूर्ण सहयोग देकर सफल बनाने के लिए सभी संगतों, शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार प्रकट किया गया। कार्यालय का घेराव कर दिया और ग्रामीण ने विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि श्यामपुर के बैटरी फार्म क्षेत्र करीब 15 साल से सड़कें नहीं बनी हैं और वर्तमान समय में कई सड़कों के टेंडर हो गए हैं और लेकिन बिल्डरों की सांग गांठ को लेकर ही चलते सड़कें प्राइवेट प्लांटिंग के अंदर बना दी गई हैं। और इसमें आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग एक आदमी दलाल की भूमिका निभा रहा है। कल सड़क हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी जिनको अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। एक जनप्रतिनिधि ने बताया है कि विश्व बैंक के पेयजल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन क्षेत्र के बिछाई जा रही है और जिसके चलते ही इसके लिए रोड कंटिंग के नाम पर ही बीडब्ल्यूडी ने 88 लाख रुपए लिए और मगर आरटीआई में केवल 48 लाख रुपए का हिसाब किताब दिया गया और 40 लाख रुपए बीडब्ल्यू ने क्या किए इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ऋषिकेश में त्रेणी घाट के ही IDPL चौकी पुलिस ने नशे के दो सौदागरों का गिरफ्तार कर लिया है और जिनके कब्जे से 200 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करों में ही इस्तेमाल किया हुआ था और आपको बता दें कि एक कार और एक स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया और पुलिस आरोपियों के अपराधियों के इतिहास की जानकारी जुटाने में लग गई है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की सुपारी देने वाले शातिर चार चोरों को आरोपियों को ही सितारगंज पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या के लिए दी गई सुपारी की रकम से 2,70,000 और एक कार बरामद की गई है। आरोपियों को कोतवाली पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता उमर शंकर दुबे द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया गया कि सितारगंज निवासी हीरा सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर जेल में ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की योजना बनाई और इस मामले में जांच के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया गया और जांच के दौरान टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हीरा सिंह, सतनाम सिंह, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजीज उर्फ गुड्डू से सुपारी की रकम से 2,70,000 रुपए बरामद किए गए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर अब समाज कल्याण मंत्री ने सख्त कदम उठाने की बात कहती है। समाज कल्याण मंत्री ने विधानसभा में बैठकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहे कब्जों का निरीक्षण कर और जमीनों की पैमाइश कर अवैध कब्जे से जमीन को बलपूर्वक खाली कराया जाए। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ऐसे अवैध कब्जे धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। बाराबंकी के तहसील रामनगर क्षेत्र के
मसूद मऊ में सत्यानमपुरवा गांव जाने वाले रेलिंग विहीन पुलिया मौत को दावत दे रही है। बीते महीने में दो लोग इसी पुलिया से गिरकर जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि सांसद और विधायक से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रविवार से हो रही बारिश की वजह से रास्तों पर जगह जगह गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो गया है। मौलवीगंज वेदर मिर्जा रोड पर हाता फकीर मोहम्मद में जल भराव देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर गांव तक पूरा इलाका पानी में डूब चुका है और 2 फुट से ज़्यादा ऊंची दुकानों में भी पानी भर गया है और दुकान, होटलों और घरों में पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और मोहल्ले में कमर से ऊपर तक पानी भर जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। PWD की सड़कों और बड़े बड़े गड्ढों से हो चुके निगमों में भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र में लापरवाही और मनमानी का नतीजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हर तरफ जल भराव की देखने को मिल रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।